दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये प्लान का जो मैंने पूरा मॉडल क्रिएट किया है वो उसका साइज़ है 26x36, 26x36 फिट में बेहतरीन सा मॉडल बनाकर मैंने रेडी किया है। इसका टॉप व्यू अगर आप देखिए, इसकी छत वगैरह तो आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा गुमटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंने बनाया है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो वो भी आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ डेकोरेट किया है। और ये देखिएगा, पूरा एक बारंदा भी आपको मिलता है, साथ साथ साइड में एक जो गेस्ट रूम है उसके लिए डोर विंडो वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। और आगे फ्रंट भी देखिए, डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट कर रखी हैं, तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे आज। तो बने रहिए शोरूम लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आप जब भी घर बनवाएं तो आप एक बार यहाँ विजिट करेंगे तो आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा। तो आज का जो प्लान है 26x36 फिट का, उसे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू देख पाए, इसमें क्या क्या चीज़ें क्रिएट हुई हैं। ये देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से इसका पूरा रियलिस्टिक व्यू, आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे जो मैंने क्रिएट किया है। ये देखिएगा फ्रंट एलिवेशन में। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पट्टी जो आप ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेयर्स मिलती हैं और इसके राइट हैंड कॉर्नर पर ये देखिए एक विंडो लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेडरूम है। स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो आपको एक बारंदा मिलता है। ये पिलर हैं, उस पर एक बीम बना दिया है मैंने, जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से यहाँ पर राउंड शेप में मैंने दिया है। बरंदे में आप जैसे एंट्री करते हैं तो आपको ये देखिए, टॉप व्यू में दिखाता हूँ, यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम के लिए अलग से मैंने डोर दिया है, यहाँ पर एंट्री करेंगे, एक विंडो और साइड से दिया है। इसके बाद यहाँ से आप मेन एंट्री करते हैं, आप आ जाते हैं अपने मकान में, तो ये एक और विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर पूरा किचन बना हुआ है। अब मैं बात करूँ तो किचन काफ़ी बड़ा है, लगभग 8x11 फिट का है, जो कि एक कमरा ही होता है। तो अगर आप चाहें तो इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ अपना पूजा घर भी बना सकते हैं, एक तरफ किचन भी बना सकते हैं आसानी से। और इसका दो सबसे पीछे आपको और बेडरूम मिल जाते हैं, जो कि बड़े बड़े से बेडरूम। मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ क्रिएट नहीं की हैं, जिससे आपको प्रॉपर घर लगे। इसका इधर आपके साइड से स्टेयर्स हैं, जैसे कि आप चढ़कर ऊपर जाते हैं टर्न होते हैं, उसी के नीचे लेटरन बाथ बन जाता है, क्योंकि स्पेस इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा बचता है, तो आपको इसी के नीचे मैंने लेटरन बाथ बना दिया है। अगर आप चाहें इस स्टेयर्स को आप इधर से भी चढ़कर क्लॉकवाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज चलना, और टर्न होकर इधर आएंगे तो लेटर बाद थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा मॉडल, और बीच में आपका आंगन बन जाता है, आगे आपका बेहतरीन सा एक बारंदा का डिज़ाइन बन जाता है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था जो कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और ग्राउंड फ्लोर पर ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि 3 बेडरूम, बारंदा, आपका आंगन, किचन, लेट बाथ, स्टेयर सब कुछ मिल जाता है। वहीं लास्ट फ्लोर मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ये आपका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दिया मैंने, उसमें डोर लगा दी, इसे छत पर आ पाएंगे। तो रेलिंग ग्रेड की वो बहुत ही नॉर्मल सी रेलिंग है, बस इसमें डिजाइनिंग का पर्पस ही है, जो आप पत्तियाँ टाइप की देख रहे हैं ये डिजाइनिंग ही है, जो आप बाहर से लेकर पीओपी के बना हुआ था आरामी से इसे चिपका सकते हैं और बेहतरीन से डिजाइन लगा सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल मॉडल था 26x36 फिट का, जो कि काफ़ी रिक्वायर्ड मॉडल था। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, सर 3 कमरों वाला घर बेहतरीन सा बना कर दीजिए, तो समझ लिए उन्हीं के कहने पर मैं मॉडल को डिजाइन किया, एक बेहतरीन सा मॉडल, जो कि ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात बनवाने की कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा, नॉर्मल ही प्लान है, बस तो थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा खर्च बढ़ जाएगा, अन्यथा आपको नॉर्मल कॉस्ट में ये घर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर